2024 के चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सुर्खियों में था और इस दौरान कई प्रकार की नई जानकारियां सामने निकल करके आई। तेजस्वी ने भी प्रतिक्रियाओं को देते हुए कहा कि वन इलेक्शन वन नेशन से हो रहा नुकसान, इसके साथ ललन कुमार सिंह के कंधों पर एनडीए के प्रति अपने प्रत्याशियों को उतारने और बिहार में जबरदस्त तैयारियों को करने की पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी गई। लालू प्रसाद यादव समेत तमाम अन्य बड़े नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी डाल करके जी हाँ एक बार फिर से यूरोप के दौरे पर गए राहुल गांधी और क्या कुछ कहा ये देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 के बैठक से पहले दिल्ली को सजाया, तमाम विदेशी मेहमानों के लिए खानपान और तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने की हुई पूरी तैयारी। आज की बड़ी खबरों में प्रयास करेंगे बताने का कि लालू प्रसाद यादव समेत देश के तमाम अन्य बड़े शक्तिशाली नेताओं के द्वारा इंडिया गठबंधन में क्या कुछ नई रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की कंधों पर पड़ी जिम्मेदारी के बाद में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देश में अपने प्रति नाम करने का प्रयास किया गया है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर के, जहां राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव पर अपने विशेष तौर पर बातों को रखने और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दा समेत कई अन्य बड़े मुद्दों को जी हां सरकार के प्रति रखने के बाद में आज वह देश से बाहर के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ तमाम छात्रों और विदेशी लोगों से मुलाकात कर राहुल गांधी विशेष सत्र से पहले आने की उम्मीदें दिखाई दे रही है। विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू है और 18 तारीख से पहले राहुल गांधी फिर से देश वापस आ जाएंगे, ऐसी उम्मीदें दिखाई दे रही है। राहुल के लिए तमाम तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में और इसके साथ भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण बहुत जल्द शुरू भी किया जाने वाला है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से देश के अंदर लोगों को जोड़ने और अच्छे तरीकों से एक नए प्रयास के साथ समर्थन में लाने की तैयारी में कांग्रेस की एक और नियत और रणनीति कारगर दिखाई दी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त और बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर दुर्गा पूजा की तैयारी देश के तमाम हिस्सों में हो रही है, लेकिन जो दुर्गा पूजा की तैयारी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है वो किसी और जगहों पर नहीं। बिहार के अंदर गोपालगंज में कई करोड़ के लागत से बनने वाले पंडाल भी सुर्खियों में है, क्योंकि यह पंडाल के निर्माण हेतु देश के तमाम लोगों की निगाहें इस पर टिकी रहती है। अब क्या पंडालों के अंदर दुर्गा पूजा की इस बार वैभवता होगी वो देखने वाला बात होगा, क्योंकि पिछली बार कोरोना काल के अंदर पंडालों में कई नई तस्वीरें देखने को मिली थी। कई जगहों पर बुर्ज खलीफा तो कई नए नए प्रकार के पंडाल के निर्माण कराए गए थे। इस बार पंडालों के नए नए निर्माण के साथ करोड़ों की लागत से इस बार लोगों को दुर्गा पूजा दिखाने की तैयारी शुरू की गई है। अब इस दुर्गा पूजा में कई नई और बड़ी तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं। फिलहाल इसके बारे में अपनी राय कॉमेंट में लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है। साथ ही साथ कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देश के तमाम हिस्सों में लेकिन बिहार इस बार गोपालगंज में कई सुर्खियां हो सकती हैं पंडालों की। G20 बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथियों को यहाँ पूरी तरीकों से सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है, दिल्ली में घरों से बाहर निकलना भी इस दफ़ दुर्लभ हो चुका है। ट्रेनों से आने वाले लोगों को और यात्रियों को किस तरीके से इधर उधर डाइवर्ट किया गया है उस पर भी पूरी तैयारी है। विदेशी मेहमानों के आगमन वाले सड़कों पर कोई भी परिंदा पैर ना मार सके इसकी तो संपूर्ण तैयारी दिखाई दे रही है और इस तरीके से दिल्ली के अंदर सुरक्षा के सभी दृष्टिकोण को देखते हुए G20 की बैठक कहीं ना कहीं अहम है और इस G20 की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऑर्गेनाइजेशन करने की सबसे बड़ा मुख्य नेता माना गया था, लेकिन भारत का हमेशा सहयोगी का साथी जो है आखिर भारत से नाराज क्यों है, क्योंकि एक रूस ऐसा देश है जो भारत को हमेशा सपोर्ट करता है और इस दौरान रूस कहीं ना कहीं भारत से नाराज बताया जा रहा है। क्या है नाराजगी के पीछे का वजह और कारण ये भी समय के साथ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बढ़ते बड़ी खबर की। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही पप्पू यादव को लेकर के, पप्पू यादव के हमदर्दी उस वक्त झलक कर सामने आई जब पप्पू यादव ने लोगों से अपील किया कि वह इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होना चाहते हैं पर कुछ लोग हैं जो उन्हें इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने से रोकना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने और इंडिया गठबंधन के अंदर रोकने वाली जो बातें हैं वह सुर्खियों में है। कई नेताओं का मानना है कि आखिर कौन उन्हें रोक रहा है, तो कई लोगों का मानना है कि रोकने वाले लोग आखिर उन्हें क्यों रोकना चाहते हैं। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर पप्पू यादव
दलितों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये भी एक मुद्दा है। कांग्रेस के अच्छे और मुख्य नेता रहे हैं, उनके जिम्मेदारियां भी कई बार रही हैं, लेकिन अचानक से यह पप्पू यादव के लिए ऐसी लोगों की रुख क्यों हो जाती है, इसके पीछे का भी कई वजह है। अब पप्पू यादव नए पार्टी के साथ आना चाहते हैं और कांग्रेस उनकी पार्टी को मर्ज कर अपने आप में शामिल करने का प्रयास कर रही है और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पप्पू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि जाप को मर्ज करें या जाप को ख़त्म करें। अब जाप अगर ख़त्म होती है तो इसके पीछे का कई वजह भी हो सकता है और इसके पीछे कई कारण सामने आएंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान आज कृष्ण बने नजर आए और बहनों के साथ जी हाँ डांडिया खेलते नजर आए। आज चिराग पासवान की अनोखी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां वो डांडिया खेलते नजर आए, लोगों को अपने जी हाँ मतों से झुमाते और इसके साथ साथ प्रेम का एक संदेश देते नजर आए। जी हाँ, चिराग पासवान के चहेते तमाम लोगों ने नेक्स्ट CM के भी दावे ठोक दिए। जी हाँ, माना जा रहा है कि युवाओं में अगर लड़ाई हो तो युवा चेहरा के तौर पर आज भी चिराग के नामों की उछाल ज़्यादा है और चिराग पासवान इन नामों से अपने कर्मों से बिहार की सत्ता की कुर्सी पर बड़ी आसानी के साथ बैठ सकते हैं। फिलहाल इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान सचमुच एक ऐसे नेता हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ और जिनके जिम्मेदारियों का जो बोझ दिया गया है उस बोझ को उठाते हुए वो आगे की सभी रणनीतियों पर मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ सकेंगे? इसके साथ अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के अंदर एक बार फिर सुर्खियों का मुख्य जी हाँ नेता बने रहे। नीतीश कुमार पर पूछा गया कि आखिर बिहार की दिशा और दशा क्यों नहीं बदल रही। नीतीश कुमार ने भी इस पर जवाब दिया। नीतीश कुमार ने बाकायदा कहा कि केंद्र सरकार और सरकारों के द्वारा हमेशा नियत जी हाँ दोहरे तरीकों से करके काम किया जाता है, जिसका मुख्य उदाहरण भी है बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन की जब कोशिश की गई थी उस वक्त नीतीश कुमार ने यह भापते हुए साफ लिया था कि बीजेपी उनकी रणनीतियों को असफल करना चाहती है और वह हमेशा बीजेपी के खिलाफ जाते नजर भी आए। एक रातोंरात अचानक से बड़ा बदलाव हो जाना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा कारण था, लेकिन अचानक से यह परिवर्तन करना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। खैर, आपको इस पर क्या लगता है, अपनी राय कॉमेंट में लिखिएगा। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या नीतीश कुमार इस वक्त तमाम चीज़ों से खुश हैं? ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं वो, ये भी बताइए। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर यह है कि बिहार के अंदर और बिहार के देश के तमाम बाहर भी आज एक नई सर्वे सामने आई। यह सर्वे कई न्यूज एजेंसियों के द्वारा किया गया, जिस सर्वे में पाया गया कि देश के युवा आज भी रोज़गार के ऊपर वोट करना चाहते हैं, यानी रोज़गार के पैमाना जो हो उस पैमाने पर वो वोट करना चाहते हैं। पर युवाओं को ना तो रोज़गार मिला है और ना वो वोट के लिए अपील कर सकते हैं, जिसके वजह से सरकारों को चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 2014 में बताया गया कि छात्रों के बदौलत और छात्रों के साथ साथ रोज़गार का बात कहने वाली बीजेपी के समर्थन में लाखों युवा सपोर्ट किए, लेकिन वह युवा आज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। पीछे का वजह यह है कि सरकारों ने जो कुछ भी था वो प्राइवेट करना शुरू कर दिया और सरकारों ने एक बार भी उन पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर छात्रों की बेरोज़गारी को दूर कैसे किया जा सकता है, जिसके वजह से आज छात्रों के अंदर एक नाराज़गी और सरकार के प्रति वो गुस्सा और भावनाएँ दिखाई देती है, जिस गुस्से और भावना की वजह से सरकारें भी बैकफुट पर जाती नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है और आपको क्या लगता है, सचमुच रोज़गार और तमाम अन्य चीज़ों के मुद्दों पर आज भी वोट किया जाएगा, ये क्या भारत के लिए एक शुभ समाचार हो सकता है? ज़रूर कमेंट में बताइए। LPG सिलेंडरों की बढ़ती कीमत देश में चिंता का कारण बनी रही थी। स्मृति ईरानी से सवाल पूछा जा रहा था, सवाल ऐसा जैसे मानो कि स्मृति ईरानी उसका जवाब दें या ना दें, लेकिन जवाब तो देना ही था। स्मृति ईरानी से सवाल ये था कि क्या LPG सिलेंडरों की कीमत अब कब कम की जाएगी। स्मृति ईरानी ने भी इस पर जवाब देते हुए साफ कर दिया था कि LPG सिलेंडरों की कीमत जैसे ही मौका लगेगा वैसे कम किया जाएगा। रक्षाबंधन जैसे त्यौहारों पर जब LPG सिलेंडर की कीमत में एक बहुत बड़ी जी कमी सामने आई तो वह देश के लिए तोहफा मान लिया गया। देश के तमाम लोगों ने झूमते हुए इसकी तारीफ भी की। लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ा मौका था जिसने सरकार को केंद्रित किया। 6 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव में LPG सिलेंडर और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा ना आए, इसको देखते हुए बीजेपी ने इन सभी चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया। अब बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट है कि LPG सिलेंडर की कीमत कम है, देश के अंदर रोजगार के देने के प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ साथ तमाम अन्य चीज़ें, जिसके वजह से आज फिर से उनके लिए एक नई प्रयास
और एक नया कोशिश देखने को मिल सकती है लोगों की। खैर, आपको क्या लगता है, क्या एलपीजी सिलेंडरों की कीमत कम करने से रोजगार मिलेगा या बेरोजगारी का स्तर वैसा ही बढ़ा रहेगा, और इसके साथ चुनाव में क्या जीत हासिल कर पाएगी मोदी सरकार? अपनी राय, अपने विचार कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।